नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देख रहे हैं द एस डी न्यूज़। भूपेंद्र यादव चुनाव प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के अचानक जेडीयू दफ्तर में पहुंचते हैं और आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से उनसे मुलाकात कर रहे हैं। उन्हें भूपेंद्र यादव जो हैं बीजेपी के चुनाव प्रभारी, उन्हें सॉल भेंट करके उन्हें बधाई दे रहे हैं प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद। और जब कह सकते हैं कैबिनेट विस्तार को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही थी, वो अब जब राजनीति हो रही थी और अचानक भूपेंद्र यादव को पहुंचना जेडीयू दफ्तर में, कहीं ना कहीं ये संशय का विषय बताते हुए कह सकते हैं कि जेडीयू दफ्तर में पहुंचते हैं और उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं और कैबिनेट विस्तार को लेकर जब बाहर सवाल उनसे होता है भूपेंद्र यादव से, तो वो कहते हैं कि 14 के बाद ये इस पर बातें हो सकती है सरकार के बैठकर। और उन्होंने क्या कुछ कहा है भूपेंद्र यादव जो चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी के, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है कैबिनेट विस्तार को लेकर, जरा उनकी बातों को गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं। चुनाव के बाद आज मेरा बिहार आना हुआ था और हम सब लोगों के लिए एक विशेष अवसर भी था। श्री आरपी सिंह जी को जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, अपनी पार्टी की ओर से मैं उनको शुभकामनाएं और बधाई देने आया था। उनका एक लंबा प्रशासनिक अनुभव और विशेष रूप से संगठन का अनुभव है और आरसीपी सिंह जी जिस प्रकार राम मनोहर लोहिया जी के दर्शन और विचारों को लेकर के कार्य करते हैं, उनको शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए, मैं उनको बधाई देने के लिए और एक हमारा और जनता दल यूनाइटेड का और उसके साथ हम पार्टी और वीआईपी पार्टी का जो गठबंधन है, ये सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वैक्सीन का आज पूरे देश में एक टीकाकरण का जो विषय शुरू हुआ है और हमने भी अपने संकल्प पत्र में जो वायदा किया था उसको पूरा करते हुए कोरोना मुक्त बिहार के लिए 12 करोड़ बिहार वासियों के जीवन को सुधारने के लिए जो एनडीए की सरकार कार्य कर रही है उसको लेकर हम पूरे 5 साल पूरी निष्ठा के साथ जनता के जनादेश के अनुसार कार्य करते रहे। उपयुक्त समय पे सब हो जाएगा, पूरा शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क और चर्चा में है, उपयुक्त समय पे इसका निर्णय होगा। बहुत सरकार ने कैबिनेट के अपने निर्णयों में बिहार सरकार ने जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कोरोना के विषय पे जिस प्रकार से मजबूती से पूरे देश में पहली कैबिनेट मीटिंग में कदम उठाया है वो स्वागत योग्य और वो इस बात को दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। और आपके माध्यम से मैं पुनः आरसीपी सिंह जी को